हेलो दरगाह इज़ व्हाट्सअप वेलकम बैक टू माय चैनल क्लैश विद अवेज जहाँ मैं आपको सिखाता हूँ क्लैश ऑफ क्लैंड की स्ट्रेटजीज जो आपको इजीली थ्री स्टार दिला सके होम बेस एंड बिल्डर बेस दोनों में यो हो सो गई लास्ट वीडियो में हमने देखा था एक बहुत ही ऑसम awesome आर्मी जो ट्रेंडिंग है ट्रैक बैट आर्मी टाउन हॉल टेन के लिए उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपने उसे प्रैक्टिस किया होगा उसने आपको ईजीली थ्री स्टार दिला दिया होगा तो चलिए जो लोग चैनल पर नए हैं उन्हें मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए बहुत सारे ऑसम स्ट्रेटजीज आने वाले हैं क्लैश ऑफ क्लैंस के लिए सो आपको एक बहुत एक्टिव चैनल है सो सब्सक्राइब कर दीजिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा चलिए फिर बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ आज मैं लाया हुआ आपके लिए एक बहुत ही ऑसम ग्राउंड आर्मी पैका स्मैश आर्मी मास पैकाज यूज़ करेंगे हम और यहाँ पर विदाउट सीज अटैक करने वाला हूँ मैं कोई भी सीज यूज़ नहीं करूँगा सो आप सोच ही सकते हैं कितनी ओवर पावर्ड आर्मी होगी पैकाज यूज़ करके चलिए फिर देखते हैं आज का आर्मी आज मैं यूज़ करने वाला हूँ आज मैं यूज़ करने वाला हूँ आठ पैकाज पाँच विजार्ड्स और दो बेबी ड्रैगन और स्पेल्स में मैं लूँगा एक रेंज एक फ्रीज और आठ अर्थक्वेक स्पेल्स ध्यान रखेगा यहाँ पर हम सीज यूज़ नहीं करने वाले इसीलिए आठ अर्थ क्वैक्स लिए तो चार अर्थ क्वेक्स और चार अर्थ क्वैक्स से दो वॉल्स तो दो वॉल लेयर्स टूटेंगी हमारी इसीलिए अर्थक्वैक्सपेल्स लिए और पैकेज जो है आपको पता है वो बहुत ही ओवर पावर्ड है सो इसीलिए हमें ज़्यादा स्पेल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उन्हें सिर्फ रास्ता वे चाहिए कि वो अंदर जाए और सारा बेस जो है वो डाउन कर दे और सीसी में मैंने लिया है एक जाइंट एक सुपर आर्चर एक ये और पॉइजन वॉल वॉलर हैं यहाँ पर पर उस पर ध्यान मत दीजिए क्योंकि मैं उसे यूज़ ही नहीं करूँगा चलिए फिर ये आर्मी देख ली आपने हीरोज़ दोनों हैं मेरे तो बम पड़ेंगे हमारे लाइव अटैक की तरफ यूज़िंग पैका स्मैश आर्मी टाउन हॉल टेन के लिए पैगाज आपको पता ही है कितने ओवर पावर्ड है टैंक जैसे समुराई नाइट इजीली वो कोई भी बेस को थ्री स्टार कर सकते हैं। चलिए फिर ये बेस मिला है देख सकते हैं आप, फुल्ली मैक्स बेस दिख रहा है सीवीस के हीरोज बचे हुए वॉल्स भी फुल मैक्स है और यहाँ पर देखिए मैंने वॉल रेकॉर्ड हटा दिया है अब देखिए चार अर्थक्वेक्स देखिए मैक्सिमम वॉल्स यहाँ पर टूट रही है उस तरह से डाला है अब उसके आगे के लेयर में डाल देंगे बाकी के चार अर्थक्वेक्स ध्यान रखेगा मैक्सिमम वॉल्स जहाँ हो वहाँ टारगेट कीजिए आप अर्थक्वेक्स को सुबह डाल देंगे छः पैकाज और उनके पीछे विजार्टस छः डाले मैंने दो बचे हुए अभी भी और वॉल्स जहाँ पर टूटी है वहाँ पर डाल देंगे बारबियन किंग और साइड में आर्चर क्वीन और ये देखिए सीसी भी डाल दिया है मैंने ध्यान रखेगा दो पैकाज अभी भी बचे हुए और दो बेबी ड्रैगन्स यहाँ पर मैंने फ्रीज यूज कर लिया और बचे हुए दो पैकाज भी डाल दिए अब और ये बेबी ड्रैगन जो है वो उसे लास्ट में यूज करेंगे हम अगर आपको बेबी ड्रैगन नहीं लेना है तो आप उसकी जगह पांच विज़ार्ड्स भी ले सकते हैं वो भी एक हेल्प होगा आपके लिए और सीसी भी आप अपने हिसाब से ले सकते मुझे ए टी और सुपर आर्चर बेस्ट लगता है इसीलिए मैं वो लेता हूँ अगर आपको बॉलर या हॉक राइडर्स लेने तो आप वो भी ले सकते हैं हॉक राइडर्स लेने के लिए हॉक राइडर्स इसमें ज़्यादा इजी होगा क्योंकि वो डिफेंस को भी डाउन कर सकते हैं सो आप रेकमेंडेड हॉक राइडर्स लिए आप अगर आपको ए टी नहीं मिल रहा है तो सो गाइस देख सकते हैं आप पेका स्मैश आर्मी ने कितनी ईजीली इस बेस को थ्री स्टार कर दिया है विदाउट एनी हार्डवर्क और विदाउट सीज हमने यहाँ अटैक कर दिया है थ्री स्टार अगेन्ट टाउन हॉल टेन मैक्स बेस वॉट एन ऑसम आर्मी गाइज चलिए फिर बढ़ते एक और अटैक की तरफ यूजिंग द पैका स्मैश आर्मी आर्मी हो चुकी है रेडी सी सी बी है रेडी हीरोज भी रेडी लेट्स रोल आउट फॉर द अटैक गाइस देखिये ये बेस मिला है इन्फोनोज मैक्स है और यहाँ पर मैं सीज सीज हटा दे रहा हूँ वॉल्स मैक्स नहीं है फिर भी देखिए हम अटैक करते यहाँ पर डाल दिए चार अर्थ देखिए मैक्सिमम मिल चुका है और अब जो है वो सेंटर में डाल देंगे देखिए वॉल्स हो चुके हैं डाउन सो अब डाल देंगे हमारे छः पैकेस और उनके पीछे सारे विजार्ट्स फिर मैंने बचे हुए पैकाज बाल्वन किंग आर्चर क्वीन डाल दिए और फिर जैसे ही सारे सी सी भी डाल दिए और ट्रूप सेंटर में पहुंच जाएंगे तो रेज यूज़ कर लेंगे जिससे वो फास्ट एक्शन कर सके देखिए और बेबी ड्रैगन जो है वो आप बेस क्लियर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं कहीं भी लेकिन लास्ट में यूज़ करिए तो अच्छा रहेगा लग रहा होगा कि ट्रूप्स कहां गए लेकिन देखिए बहुत सारे पैकाज है सारे पैकाज एक साथ है और उनके साथ है एटी और दूसरे साइड पे बेबी ड्रैगन आर्चर क्वीन और सुपर आर्चर। सो अटैक भी हमारा इजीली जा रहा है थ्री स्टार की तरफ बहुत सारे पैकाज दिख रहे होंगे आपको साथ में ये टी है, सुपर आर्चर है और बाहर विजार्ड है जो बाकी की बिल्डिंग्स क्लियर कर रहा है और बेबी ड्रैगन भी देखिए बिल्डिंग्स क्लियर कर रहा है सो इजीली ये अटैक भी हमारा हो जाएगा एक थ्री स्टार पैका स्मैश हल्क स्मैश जैसा है ये बहुत ही पावरफुल ओवर पावर्ड सो so, एक और अटैक हमारा हो चुका है थ्री स्टार चलिए बढ़ते हैं एक और लाइव अटैक की तरफ ध्यान रखिए अगर आपको ये ये आर्मी वॉर में यूज़ करनी है तो आप सीज यूज़ कर सकते हैं उसमें और उसमें ज़्यादा विजर्ज लीजिएगा और क्वीन को आगे जाने दीजिए ताकि वो सी को डाउन कर सके अगर आपको ऐसे ही मल्टीप्लेयर में अटैक करना है तो आप बिना सीज के भी कर सकते हैं इजीली ये आर्मी आपको थ्री स्टार दे जाएगी ये देखिए ये बेस है इसकी सिर्फ वॉल्स मैक्स नहीं है लेकिन इज ऑलमोस्ट मैक्स दिख रहे हैं सब देख सकते हैं आप सो यहाँ पर मैंने अर्थक्वेक डाल दिए मैक्सिमम डैमेज जहाँ मिल रहा है वहाँ देख सकते हैं आप बहुत सारी वॉल्स टूट चुकी है शोबम डाल देंगे छः पैकास और उनके पीछे पाँच विजर्ट्स और फिर बारजेंड किंग आर्चर क्वीन और सीसी और यहाँ पे आप देख सकते हैं सीसी में से निकलाए बे बलून्स सो so, हमने डाल दिया है पॉइजन एंड फ्रीज और फिर ट्रूप्स पर डाल दिया है रेज देख सकते हैं आप सीसी निकला था फिर भी ये आर्मी ने इजीली टैकल कर लिया जैसे कि मैंने आपको बताया था विज़ाड़र डर क्वीन है जो एयर ट्रूप्स को डाउन कर सकते हैं इसीलिए उन्हें आगे जाने दीजिए और यहाँ पर आप देख सकते हैं इजीली ये बेस भी क्लियर होने वाला है बहुत तीन चार पैकाज दिख रहे हैं ये टी है सुपर आर्चर है और एक जायंट सो गाइस इजीली ये बेस भी हमने क्लियर कर दिया यूजिंग द पैका स्मैश आर्मी यहाँ पर सी सी ट्रूप भी निकले थे बलून्स फिर भी हमने टैकल कर लिया और इजीली इस बेस पर भी हमने थ्री स्टार का अटैक कर दिया यूजिंग द पैका स्मैश आर्मी रॉक ऑन पैकास चलिए फिर बढ़ते एक और अटैक की तरफ यूजिंग द पैका स्मैश आर्मी आर्मी हो चुकी है रेडी चलिए बढ़ते अटैक की तरफ ढूंढते एक बेस अटैक के लिए देखिए ये बेस मिला है आर्चर क्वीन मैक्स है इंफरनोज मैक्स है आर्चर टावर भी मैक्स है सिर्फ वॉल्स मैक्स नहीं है और मैंने सीज हटा दिया अब यूज़ करेंगे अर्थक्वेक मैक्सिमम जहाँ पर मिल सके वहाँ पर देखिए अर्थक्वेक्स डाल दिए मैंने और अब बाकी के आर्ग्स डालेंगे सेंटर में इनफर्नो के पास चलिए अब डाल देंगे छह पैकर्स और उनके पीछे पांच विज़ार्ड्स और अब बचे हुए पैकर्स दिए सब सीधा अंदर जा रहे क्योंकि हो का है क्रिएट और यहां पर मैंने हर क्वीन पे पॉइजन और फ्रिज डाल दिया था और अब साइड बेस क्लियर करने के लिए मैंने डाल दिया एक बेबी ड्रैगन बचा हुआ बेबी ड्रैगन भी डाल दिया है मैंने साइड बेस क्लियर करने के लिए और अब आप देख सकते हैं सेंटर में आर्चर क्विन और सुपर आर्चर दोनों साथ में कॉर्नर पे तीन पैकर्स और एक बारबिन किंग है और यहाँ पर ये टी आर बेबी ड्रैगन है सो इज़ीली ये बेस भी हमारा एक थ्री स्टार अटैक हो जाएगा देख सकते आप सारे डिफेंसिस एक, एक करके डाउन हो रहे हैं अब सिर्फ एक कैनन और वो भी इजीली डाउन हो जाएगा सो गाइस इजीली ये अटैक भी हमने कर दिया है थ्री स्टार अगेंस्ट अ टाउन ऑल टेन द पैका स्मैश आर्मी ओवर पावर्ड आर्मी चलिए फिर बढ़ते एक और लाइव अटैक की तरफ आर्मी हमारी कुक हो चुकी है लेट्स रोल फॉर द अटैक देखिए ये बेस मिला है सो तो अब मैक्सिमम जहाँ पर हमें वॉल्स दिखे वहाँ पर हम डाल देंगे चार आर्थ को एक्स देखिए आर्चर क्वीन की तरफ डाल देंगे चार आर को एक्स देखिए सारी वॉल्स डाउन अब डाल देंगे सेंटर की तरफ में बाकी ओ एक आर्थिक मुझसे गलती से छूट गया यहाँ पर देख सकते हैं आप फिंगर टच हो गया था इसीलिए चलिए देखते फिर भी थ्री स्टार हो पाता है या नहीं छः बैकर्स और बाकी के विजार्ड डाल दिए हमने जैसे ही फनल हो जाए क्रिएट डाल देंगे बार्जियन किंग अर्चर क्वीन बचे हुए बैकर्स और सीसी ट्रूप्स यहाँ पर एक एक अर्थ गड़बड़ी में गिर गया चलिए देखते फिर भी हमें थ्री स्टार मिलता है या नहीं रेज डाल दिया है और बेस क्लियर करने के लिए मैंने डाल दिया बेबी ड्रैगन और इन्फर्नो का डैमेज बढ़ रहा था इसीलिए इन्फर्नो पर फ्रीज यूज कर लिया है फिर भी देख सकते हैं आप बाहर तीन पैकाज है अंदर दो पैकाज है विजार्ड है सुपर आर्चर है आर्चर क्वीन है सो so, ये अटैक भी इजीली थ्री स्टार हो जाएगा एक गड़बड़ हुई फिर भी ये अटैक थ्री स्टार की तरफ जा रहा है देख सकते हैं आप मैक्सिमम पैकाज आपको दिख रहे हो साथ में एक सुपर आर्चर और एक विजाड सो so, इजीली ये अटैक भी हमारा थ्री स्टार की तरफ जा रहा है देख सकते आप कितने सारे पैकाज दिख रहे होंगे सो so, ये है एक मास पैका अटैक पैकाज मैश सो सोगाइज इजीली इस बेस पर भी हमने कर दिए दर्ज थ्री स्टार सो ये एक ओवर पावर्ड आर्मी है कहीं भी आपको थ्री स्टार दिला जाएगी चाहे वो वॉर हो चाहे मल्टीप्लेयर बैटल्स हो वॉर में ध्यान रखेगा कि विजार्ड और आर्चर क्वीन को आगे रखना है जिससे कि वो सी सी ट्रुप्स को डाउन कर दे पॉइजन और फ्रीज यूज़ करना है सी 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 ट्रुप्स पर सोगाइ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में टिल द एंड ट्यून्ड बाय गाइज you